मिस्र अपनी सभ्यता, पिरामिड और ममीज के लिए दुनिया भर में मशहूर है। आधुनिक देशों के बीच मिस्र अपने पुराने और सबसे लंबे इतिहास के लिए जाना जाता है। बेशक मिस्र मानव इतिहास में सबसे आकर्षक प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इस जगह की हर बात अचंभित करने वाली है, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पुरानी सभ्यता होने के कारण आज भी मिस्र में कई ऐसे राज दफन हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। आज हम बात करने वाले हैं मिस्र देश से जुड़े कुछ अनसुने मजेदार और रोचक तथ्यों के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिस्र देश की स्थापना लगभग 3150 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। पूरी दुनिया में या इतिहास में पिरामिड से लेकर ममी तक अधिकतर पुरानी चीजें मिस्र में मिली हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ के इंसान बहुत ही आधुनिक थे। कायरो मिस्र में सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है और ये मिस्र की राजधानी भी है। मिस्र अफ्रीका और मध्य पूर्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाले इस्लामी देशों में से एक है। इसका अधिकतर हिस्सा नील नदी के किनारे वाले हिस्से में रहता है, जिसके दोनों ओर रेगिस्तान पड़ते हैं। हर कोई मिस्र के पिरामिड के बारे में जानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें पहाड़ों और उनके शाही परिवारों के लिए कब्रों के रूप में बनाया गया था, ताकि उन्हें सूर्य भगवान के साथ जोड़ा जा सके। आपको बता दें कि अब तक मिस्र में 130 से अधिक पिरामिडों की खोज की गई है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध गीजा के ग्रेट पिरामिड हैं। 138 मीटर लंबे इस पिरामिड का नाम विश्व के 7 अजूबों में आता है। माना जाता है कि मिस्र के पिरामिडों का निर्माण तत्कालीन राजाओं के शवों को दफनाने के लिए किया जाता था, साथ ही खाने पीने की चीजें, बर्तन, कपड़े, हथियार आदि भी साथ में दफन कर दिए जाते थे। मिस्र दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। हर साल करीब 15 मिलियन लोग मिस्र घूमने आते हैं और पर्यटन यहाँ के मुख्य उद्योगों में से एक है। यहाँ के पिरामिड कायरो, आसवान, इजिप्शियन म्यूजियम, सफेद मरुस्थल, अलेक्जेंड्रिया आदि आकर्षक पर्यटन स्थल हैं। अगर हम प्राचीन मिस्र की बात करें तो उस समय यहाँ 1500 देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। दुनिया की सबसे पुरानी ड्रेस, जो 5000 साल पुरानी है, मिस्र में पाई गई है। इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे पुराना गीत, जो कि 4300 साल पुराना है, मिस्र में ही पाया गया था। मिस्र पूरी दुनिया में अरब का एकमात्र ऐसा देश है जिसने इजराइल देश से शांति बनाए रखने की मांग की थी। आपको शायद पता नहीं होगा कि शादी पर अंगूठी पहनने की रस्म पूरी दुनिया में सबसे पहले मिस्र ने ही शुरू की थी। माना जाता है कि घड़ी की खोज सबसे पहले मिस्र में ही हुई थी। इतना ही नहीं, पशुपालन की शुरुआत भी मिस्र से ही हुई है। मिस्र में जब किसी को मम्मी बनाते हैं तो उनका दिल नहीं निकाला जाता, क्योंकि वहां के लोगों का मानना है कि दिल उनकी आत्मा का प्रतीक है। मध्य पूर्व में मिस्र की अर्थव्यवस्था सबसे अधिक विकसित और विविध अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यहाँ पर्यटन, कृषि, उद्योग और सेवा जैसे क्षेत्रों का उत्पादन स्तर लगभग एक समान है। मिस्र का अधिक भाग जल विहीन है, केवल नील नदी ही पानी का एकमात्र स्रोत है। आपको बता दें कि मिस्र में हर साल सिर्फ 1 इंच बारिश होती है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।